अरे मम्मी रहने दीजिए ना, निर्मला एक दिन की छुट्टी पे कहीं आ जाएगी ना, मैं कहूँ बेटा नहीं। एक दिन की छुट्टी पे नहीं गई है निर्मला, 3 दिन की छुट्टी पे गई है। और बाकी हम आपकी तरह महान तो है नहीं ना, हमने महानता की वो चरम सीमा हासिल करी है कि हम गंदे में भी पड़े रहे तो हमें कोई असर ना पड़े। आप इतनी गर्मियों में भी दो दो तीन तीन दिन नहाते नहीं, लेकिन आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हम अभी थोड़ा सा आपसे पीछे हैं, हमको जो है गंदगी में थोड़ा सा उलझन लगने लगती है। ठीक है, बाकी आपने इतना हमसे कह दिया, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हम कर लेंगे, हमारी तो आदत ही है ये सब करने की। आप परेशान ना हो, आप लेटे, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप मोबाइल चलाइए लेट के। अरे मम्मी क्या कर रही हो, हमसे बताओ, हम निकाल देना अरे बेटा अभी। तुम निकाल तो दो, तुमसे कह तो दे, लेकिन हमें दरअसल अभी तुरंत कहीं जाना है, तो वही कपड़े देख रहे थे क्या पहने। तुमसे कहेंगे तो 2-3 घंटे वेस्ट होंगे, तुम कहोगे अभी कर रहे हैं अभी कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, फिर तुम्हारी बात भी खराब होगी, क्योंकि काम तो तुम करोगे नहीं, लटकाते रहोगे। तो हमने कहा हम खुद ही कर लें, जब तक नहीं गिर रहे हैं, जब तक अपना कर रहे हैं, जिस दिन गिर जाएंगे उस दिन देखा जाएगा। अरे भगवान, जबरदस्ती हमको हर समय सुनाती रहती है। ये सुबह के नाश्ते के हो गए, ये खाने के हो गए। अरे बेटा शशांक भी तो तुमने चाय पी थी, वो बर्तन कहाँ है, वो नहीं दिख रहा है। वो हमने रख दिया था ना किचन में। क्या करते हो बेटा तुम, इतनी गर्मी में तुम एसी से निकल के किचन तक, बताओ बर्तन रखने गए? इकलौते मेरे बेटा राजकुमार हो, तुम मत रखा करो बर्तन, तुम्हारी जब तक माँ है सब काम कर तो रहे हैं हम गर्मी में, तुम क्यों करते हो? कहने वाली बात करते हो, पापा देखो पापा कोई काम कर रहे हैं, पापा एसी में लेटे हैं, पापा अपना पूरा वो वर्चस्व कायम रखे हैं, तुम डगमगा जाते हो। किचन में रख दिया क्या धोने में? ये सब माँ के काम होते हैं बेटा, सब झूठे बर्तन उठाना, खाना बिल्कुल हाथ में देना। तुम लोग बस एसी में आराम करो, गर्मियां हो रही है ना तुम लोगों के लिए, हमारे लिए थोड़ी हो रही है गर्मी कोई, हमारे तो सब मौसम एक समान है। अब मत रखना, आज रख दिया, अब ये देखो इस तरह हम जैसे बर्तन लेके जा रहे बीन बीन के, हम ले जाएंगे ठीक है बेटा, प्रॉमिस, अब तो नहीं रखो कोई। क्या खाओगे बेटा आज खाने में? इडली सांभर बन जाएगा। कैसी बात कर रहे हो बेटा, बन क्यों नहीं जाएगा? कोई बहुत गर्मी हो रही है क्या जो मतलब नहीं बन पाएगा? ऑर्डर दिया करो, हम माँ है तुम्हारी, पापा ने देखो तुम्हारा ऑर्डर दिया, क्यों नहीं बन जाएगा? कोई अगर ऐसी इतना टॉन्ट करना होता है तो पूछा ही मत करिए। हम बेटा टॉन्ट कर रहे हैं, हम टॉन्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, अभी हम कुछ थोप के बना के खिचड़ी उचड़ी रख दें, पता लगे खाओ भी ना, जहाँ इतनी मेहनत करेंगे वहाँ थोड़ी और कर लेंगे। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि गर्मी हो रही है तुमको, हमें भी गर्मी लगती है, हम तो माँ है, माँ को ना गर्मी लगती ना सर्दी लगती, कोई असर नहीं होता, माँ तो माँ होती, सब बना दें इडली सांभर। पापा ने तुम्हारे आलू के पराठे कहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरा तो वही मन कर रहा है ना, पेट भरा भरा लग रहा है ना, तो कुछ हल्का बनाओ आलू के पराठे, तो तुम्हारे लिए इडली सांभर बनाना है, क्योंकि आलू पराठे तो तुम खाते नहीं, सूखे लगते खा हमको। लेंगे आलू पराठे, खा लेंगे। नहीं 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 ऐसे ऐसा एहसान ना करो बेटा, हम तो आलू पराठे खा के, हम बना देंगे इडली सांभर। अरे मम्मी, हाँ हम ये कह रहे थे, क्या सो रही हो? नहीं नहीं सो सो नहीं रहे, बता। वो दूध नहीं मिला आज। अरे देखो हमारा दिमाग देख रहे हो कितना खराब हो गया, इतने अपने छोटे से 17 साल के लड़के को बताओ दूध देना, भूल ले तो नहीं लिया बेटा तुमने, खुद तो नहीं ले लिया, नहीं लिया जो तो हम नहीं हमें है। अपने परवरिश पे हमारे सवाल उठते, नहीं नहीं लिया ना, शाबाश, हम दे रहे हैं, एक मिनट रुको हम दे रहे हैं, आए बर्बाद दूध देना, भूल गए, बिल्कुल लाट साहब पैदा करके।